सवाल है जी, यजीद पलीत के बारे सानू समझ नहीं आती क्यों गए पहले पलीत का हजरत अमीर माविया सरकार का बनाया क्यों मैं करना है। बहुत सोहना सवाल है ये दोस्तों। साडा मजहब यजीद पलीत, मैं उस्ताद चिश्ती साहब के जुमले तुम सुना। मियाँ साहब मेरे नाल आए ने, मियाँ आजम साहब जलालपुर तो अबू जुकरन जा रहे हैं, ये गवाह ने इस गल के। किसी बंद ने उस्ताद चिश्ती साहब के अगे जा गल की जी, लोग आते हैं चिश्ती साहब यजीद की हिमायत कर रहे हैं। आपने फरमाया मेरा बस चले ना, मैं यजीद की कबर के उ मूत्र क्या हुआ। मैनू कलमा नसीब ना आए जो मैं झूठ बोला मिंबर रसूल बैठा। यानी मनो अनफद ने आप फरमाया साडा बस चले तो असं यजीद की कबर के उ मूत्र क्या। गल यजीद की नहीं, साडा सिर्फ इन है कि यजीद करबला तो पहला फासिक नहीं, बाद फासिक होया, फाजर होया, बदकार होया, बाद च होया, बदबख्त होया, ये बाद च होया, पहला नहीं सी। क्यों नहीं सी और सानू वंड करन दी क्यों लोड़ पेश आई। हालांकि साडे अपने मौजू ने अच्छा और बुरा खात्मा असीं वाजे कीता है कि असल गल अंजाम ते हुंदी है। जो अंजामकार बंदा बदकार ते जालिम हो गया ते पिछली फिर नेकी होए या सादगी होए उन्हें गिनन का फायदा ही नहीं। लेकिन उदू फायदा नहीं जो ओदी गल ओदे तक रह जाए, ते जे ओदी गल किसी होर नाल भी चंबड़ती होए ते फिर फर्क करना पैंदा है। मैं तुहानू मिसाल देना, पानी की असल की है पाक के पलीत है। पानी की असल की है पाक। इत्थे टोए च पानी पिया हो, एक बंदा आके पानी पाक है, मैं आना उठा टोए च पानी हो, मैं कहा भाई पानी पाक है, पानी पाक होंदा ते बारिशा बुरशा की वजह से जमा होया पाक। दूसरा बंदा आंदा नहीं पलीत है, की है पलीत है। हालांकि उनके नाल बंदियां वजू भी किया सी थोड़ी देर पहले, कुछ बंदे उहदे नाल वजू करते सन, कुछ बंदे अपने कपड़े भांडे धोते ने, कुछ बंदे उहदे च लै के पीते। वह दूसरा बंदा आ जाता नहीं जी वह पलीत है, उन्हें पूछना पड़ेगा कि नहीं कदों पलीत होया, कादे नाल पलीत होया। क्योंकि बाकिया दी नमाजा का भी तो ख्याल करना है ना कि नहीं करना, बाकिया के कपड़े का भी ख्याल करना है कि नहीं। अगर सिर्फ पानी की गल होती तो रहने चलो जो पलीत कसम कोई गल नहीं, हूँ यह भी तो ख्याल करना है कि पानी में किसी ने पीता भी है, उस पानी नाल किसी ने कपड़े भी धोते ने, उस पानी नाल किसी ने भांडे भी धोते ने, उस पानी नाल किसी ने वजू भी किया। फिर उन्होंने पूछा जाएगा मियाँ कादे नाल पलीत होया, अपने इलम नाल दस ते किंज पलीत होया। ठीक ये मुतालबा नजायज है कि जायज है, जायज मुतालबा बनेगा ना भाई, बखा किंज पलीत होया ते किहड़े वेले पलीत होया, किहड़ी शह नाल होया, ताकि परलियां दी नमाजा के उत्ते भी हुक्म लाई। जे उन्होंने पहला ही पलीत सी तो उन्होंने दुहराना पड़ेगा, वह दुहराण उन्होंने नमाजा यह मसला है। हुण पानी दे असल पानी दी पाक सी, असी आख्या पानी पाक, उन्हें आख्या नहीं पानी बदल चुके है, हुण पलीत हो चुके है, हुण पलीत हो चुके है। असां दलील मंगनी सी उहदे कोलों कि किवें पलीत होया, या उन्हें दलील देनी मंगनी सी कि किवें पाक है। ईमान नाल दस्या जाए सुभान अल्लाह, पानी पिया पानी दी असल पाक है, मैं आख्या पानी पाक, दलील उहनां दे। अगले ने आख्या पलीत है, दावा कि उनका दावा कि दलील किने देनी सी उन्हें, तो उन्हें दलील साढ़े को मंगया कि नहीं किने पाक तू दलील दे कि ना उन्होंने पानी होता ही पा के तू पलीती विखाएगा तो मन गल समझ आई है। जे वो आखे नहीं तू दलील दे किने पा के तो ये भाभियों का मुताबा है। अजय भाभिया कहना सा क्या करने, रोटी अगे रखा, कुरान शरीफ पढ़ा, लोगों को बुलावे, इसाले सवाब करा, खाना खवावे, कुरान शरीफ पढ़ के, खत्म शरीफ पढ़ के, बाबियां दा हराम। असीं आने मियाँ कुरान भी जिक्र, खाना पा, मुसलमाना च बंडना खैरात, इसाले सवाब, सुन्नत मुस्तफा,
ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਦਲੀਲ ਤੁਸਾਂ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਵਾਹਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ ਦਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਬਦਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਸੁਨਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬਦਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਅਹਦ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਜਾਮਕਾਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਅੰਜਾਮਕਾਰ ਪਲੀਤ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਗਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਵਲੀ ਅਹਦ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸਾਂ ਸਾਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਖਸੂਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਜੈਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤਾਬਈਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਬਈਨ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚਲੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਛਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸਨ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਯਾਰ ਲੜਨਾ ਨਾ ਲੜਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਫਿਰ ਵਾਜਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਫਾਸਿਕ ਹੋਏ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਫਾਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਫਾਸਿਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਸਿਕ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਸਿਕ ਹੋਇਆ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਸਿਕ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਾਸਿਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬੈਤ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 56 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਲੀ ਆਦ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਦਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਆਦ ਬਣਾ ਲਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਬੈਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਸੂਲ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਿਕ ਫਾਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਫਿਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਰੂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਆਲੇ ਸੁਨਤ ਹੀ ਸੀ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਐਨੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਐਨ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਪਰ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਹਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਦੇ ਔਲੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਐਸਾ ਮਕਬੂਲ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਫਿਜ਼ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਫਿਜ਼ ਫਰਮਾਉਣਗੇ
शरा कायद नस्बिया अकीदे की किताब है, हर मदरसे पढ़ाई जाती है। ये अंदर लिखे है कि लायन आजिर इमाम बिल फिस्क, अगर बादशाह फासिक हो जाए तो उन्हें माजूल नहीं किया जाएगा। फिस्क का की मतलब है, अयल खुरूज अंताअतिल्लाहि ताला वल जौर अय जुल्म अला इबादिल्लाहि ताला, यानी वो रब दे हक मारे या बंदियां दे हक मारे। लेना हो का जहर अल फिस्क वन ताशर अल जौर मिन अल आइमा वल उमरा बाद अल खुलफाए राशिदीन व सलफ कानु यनकादून लहुम व युकीमून अल जुमुआ वल आयाद बिइज्निहिम वला यरून अल खुरूज अलैहिम। फरमाया इस वास्ते के खुलफाए राशिदीन तो बाद जुल्म बादशाह जाहिर हो गए थे कि किसे इमाम ने किसे बुजुर्ग ने उन्हें बादशाहों के उत्ते खुरूज नहीं किया तो उन्होंने मगर नमाजा के जुम्मे से ईदा कायम करते रहे ने, ते फिस्क की वजह तो उन्हें बगावत नहीं की, खुरूज नहीं किया, खिलाफ उठे नहीं। ईमान नाल दसो ये हो सकता है कि इमाम आजम इमाम हुसैन सरकार का मजहब सुनी ना हो, और ये हो सकता है कि इमाम आजम ऐसा उसूले मतलब बनाम जिसे इमाम हुसैन मुजरिम बनते हो, ऐसा हो सकता है कि इमाम आजम अबू हनीफा ऐसा मजहब तरतीब दे जिस मजहब इमाम हुसैन मुजरिम बनते हो, हद्दू निकल दे हो, ये हो सकता है यार। ये तो कह लिया, ये कह लोगे शिया मगर लग के कि जानी शराबी से इमाम हुसैन ने फरमाया मैं दीन नहीं रुड़न देना, मैं नाने का दीन बचान चलिया वा, मैं लड़न चलिया वा, मैं मुकान चलिया वा, मैं फलान करन चलिया वा। लफ्ज बोलन सौखे लगते ने, क्या अपना अकीदा किधर खड़ोगे? करबला नु बयान कर दे, बयान ते कर दिता, क्या अपने मदरसे केड़े मुंह नाले किताब पढ़ाओगे? किस मुंह नाल आखोगे इमाम आजम अबू हनीफा दी फिका मकबूल तरीन फिका है, इनाम दे अंदर भी लोगों में भी और खालिक के दरबार में भी। इसका मतलब फिर तो शिया का दीन ही चले, शिया ही सच्चे ने, फिर पीछे पिटा कुटी रह गई, वो भी कर लेने अकीदा तो गया। तो मैं समझ नहीं आती कि इस गल के सिंगड़ाने वाले लोग अपने बच्चों को अकीदा किवें पढ़ाएंगे सुनिए। मैं उन्होंने मुरीद हूं, मैं उन्होंने मगर टुरना, मैंने यह शरा कायद पढ़ा दे, सिर्फ शरा कायद पढ़ा दे, अपना मजहब साबित कर दे, मैं मगर आ जाऊंगा। फिर वही करना पैना है स्कूली मौलविया वगर कि ये जो तिजारत के मसाइल हैं अब इनकी भी जरूरत नहीं, ये हुदूद इस्लामिया है अब इनकी भी जरूरत नहीं, हूँ पाकी तहारत नमाजा के मसले पढ़ने, हकूमत शिया के मुताबिक करांगे तो खोवांगे। गल समझ आई है कि नहीं आई? इस गल समझो, ये नहीं हो सकता कि इमाम दीन बनान ते इमाम हुसैन वेखन तो बगैर बना ले। इमाम आजम के नज़दीक भी इमाम हुसैन का वाकया करबला बड़ी अहमियत का हामिल सी। गल समझना जरा, असल बात क्या है, ये दो खराबियां अकल और अकीदा तन लाजिम आदिया ने। अगर इंज आखो कि इमाम हुसैन इंज उठे, तीसरी गल है अगर इमाम हुसैन उठे ने ता कि यजीद जानी शराबी सी उस वेले भी, उस वेले आप उठे ने तो यार तुहाडे बादशाह जानी शराबी नहीं, इमाम हुसैन 72 लै गए तशरीफ लै गए सन, तुहाडे जे 72 पूरे नहीं हुए, 650 के मदरसे की तादाद सी, तवज्जो नहीं फरमाई दी, 72 क्या 650 विचों ते कई 72 निकल आउंदे ने, 650 विचों कई 72 निकल आउंदे ने, तुहाडे बादशाह जानी भी ने शराबी भी ने, तुहाडे बादशाह भी जानी शराबी ते आ जे थले बादशाहां दे चमचे कड़छे ने भी, ते यार तुसी क्यों नहीं उठदे? फिर इमाम हुसैन की सुन्नत क्यों नहीं अदा कर? इमाम हुसैन नाल मुनाफकत क्यों कर रहे? दीन की ऐसी तस्वीर क्यों पेश कर रहे हो जिदे ते अमली तौर ते तुसी मुतमैन भी नहीं ते टुर भी नहीं सकते?